बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना चैनल वर्ल्ड ऑफ इस्लामिक सॉल्यूशन। आपके लिए दुआओं का खसूसी तौर पर एहतमाम किया गया है। जो भी हवातीनों हजरात दुआ के लिए अपना नाम देना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम दे सकते हैं, इंशाल्लाह ताला खसूसी तौर पर उनके लिए दुआ की जाएगी। आज मैं आपको दमा का इलाज बताना चाहती हूँ, और ये वो बीमारी है जो मरीज़ को बहुत ही परेशान रखती है, उसको दिली और ज़हनी तौर पर बहुत ही परेशानी और बेसकूनी का सामना करना पड़ता है। इसका मरीज़ दवाइयाँ खा खा कर तंग आ जाता है, लेकिन फिर भी ये मर्ज़ जाने का नाम नहीं लेता, हत्ता कि मरीज़ तंग आकर दवाइयाँ खाना भी छोड़ देता है। मौसमों का आना जाना इस मरीज़ के लिए बहुत ही तकलीफ़ का बायस होता है। आज मैं आपको दमा के मरीज़ों के लिए और जिनको बहुत ही दिली तौर पर घुटन का सामना करना पड़ता है, सांस लेने में मसला होता है उनको, और खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और आँखों के अमराज, सांस के अमराज, इन सब के लिए आज मैं आपको एक बहुत ही आसान अमल बताने लगी हूँ। और ये अमल उनके लिए तो बहुत ही आसान है जो फजर की नमाज़ बाकायदगी से अदा करते हैं। करना क्या है कि फजर की सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान तमाम हरूफ तहज्जी अलिफ से ये तक 41 बार पढ़ें, और हर बार अलिफ से ये तक एक सांस में पढ़ें, यानी सांस नहीं तोड़ना, एक ही सांस में अलिफ से ये तक पढ़ लें। ये अमल खसूसी तौर पर दमा, सांस के अमराज, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और आँखों के अमराज के लिए मुफीद है। 41 मरतबा पढ़ के अपने ऊपर दम कर लें। वीवर्स, ये बहुत ही आसान इलाज है। जो लोग बाकायदगी से फजर की नमाज पढ़ते हैं, इंशाल्लाह ताला थोड़े ही अरसे से अगर वो मुस्तकिल मिजाजी से ये अमल करें तो वो बहुत जल्द इससे मर्ज से छुटकारा हासिल कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। वीवर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो से आप मुस्तफीद हो सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।